बिल्कुल मम्मा के हाथ का स्वाद है। अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। कबीरा वाह, जो हमारी खीर है हाँ। ये बासमती राइस की खीर है। हेलो माय फूडी फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कानपुर के एपिसोड में आप लोग का वेलकम है। तो आ चुके हैं भाई स्वरूप नगर में बिरयानी ऑन व्हील्स पे। तो देख लो भैया बिरयानी ऑन व्हील्स है, चार पहिए पे आई है बिरयानी लद के। और मेन्यू है अधिकतर चीज़ें तो नॉन वेज ही है, जो कि मैं भाई वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नहीं खाता हूँ। लेकिन इनके पास जो ड्राई फ्रूट्स वाली खीर है वो मेरे मतलब की है। ये देख रहे हो मीठा मीठा है, तो मीठा मीठा हम खाएंगे आज, स्पाइसी वाला नहीं खाएंगे। तो चलो पहले दिखाते हैं लोकेशन, फिर चल के बात करते हैं, देखते क्या सिस्टम है क्या नहीं, फिर ट्राई करते हैं ड्राई फ्रूट्स वाली खीर हम लोग। तो भाई चलिए देखते हैं शॉप की लोकेशन। तो भैया जी सरदार जी खड़े हुए हैं और बिरयानी ऑन व्हील्स लेके आए हैं जबरदस्त वाली। तो हेलो हाय कर रहे हैं, तो चलो पहले दिखाते हैं लोकेशन। तो भाई ये मधुराज हॉस्पिटल है जो स्वरूप नगर पे, उसी वाली लेन में जब आप अंदर आएंगे और ये बना हुआ टुंडे कबाबी, उसके जस्ट अपोजिट आपको शॉप मिलेगी बिरयानी ऑन व्हील्स। तो चलते हैं भाई बिरयानी ऑन व्हील्स पे। भाई व्हील्स पे आए हैं तो देखते हैं आज क्या जायका लेंगे इनके पास हम लोग। तो भाई आ चुके हैं बिरयानी ऑन व्हील्स पे अपने दो पैरों पे चल के। उस पे चार हैं, हम दो वाले हैं, लेकिन दो ये भी हैं लेकिन ये यूज़ नहीं करते चलने के लिए। तो चलो बात कर लेते हैं। तो वैसे बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम दमनदीप सिंह है। और कितने दिनों से फिलहाल आपकी शॉप लग रही है? 4 months हो गए अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी। क्या क्या खिला रहे हैं लोगों? सर वैसे तो सब कुछ नॉन वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन के लिए हम रखते हैं ड्राई फ्रूट खीर। और जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं मेरे पास आपको मिल जाएगा चिकन बिरयानी, फिश फ्राई मिल जाएगा, चिकन थाई बोनलेस मिल जाएगा, चिकन लेग फ्राई मिल जाएगा, और फिश टिक्का बिरयानी मिल जाएगी, चिकन फ्राइड बिरयानी मिल जाएगी। सारी ये सब तो हम खाने वाले नहीं, तो जो बाकी सबके लिए भी है ना, तो जो खा सकते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सब होममेड है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं यूज हुई। जैसा हम घर में खाते हैं बिल्कुल मम्मा के हाथ का स्वाद है, मम्मा बनाती हैं, तो सेम उनका ही खाना हम यहाँ पर लेकर आए कस्टमर को ओरिजिनल चीज खिलाने। आपके घर में आपकी मम्मी प्रिपेयर करके पूरा प्रिपेयर करते हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ साथ में उनके, तो मिलके ही बनाते हैं। और टाइमिंग क्या आपकी शॉप की? सर 5 बजे से लेके जब तक रात को है, जब तक चलेगा। और आपकी मम्मी जी का नाम? मेरी मम्मी का नाम रविंदर कौर है। तो और उनके लिए थैंक यू भाई, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रही हैं और सारी चीज बना के देती हैं आपको, और आप आके यहाँ पे सेल करते हैं। और तो आज हम जैसे कि खाने वाले हैं आपकी, ये जितने वेजिटेरियन है बिल्कुल डिफरेंट अलग रखा हुआ है, ड्राई फ्रूट की कंटेनर ही अलग रखते हैं ताकि कुछ मिक्स मैच ना हो जाए वेजिटेरियन का नॉन वेज के साथ, दूर से भाग जाए। ना भागेंगे पहले, मतलब ये सीन होता है ना लोग देख के भाग जाते हैं, इसीलिए आपने ये इस पे नहीं मतलब जैसे कि होता है कुछ जगह मिक्स होता है तो लोग देखते हैं कि भाई नॉन वेज है तो पहले ही भाग जाते हैं। भाग जाते हो कि सब एक ही जगह पे रखते हैं ना, लेकिन हमारा जो चीज है वो बिल्कुल नॉन वेज बिल्कुल कार्ड पे रखा है और वेज उधर रखा हुआ एक बॉक्स में, कूल बॉक्स में, तो डिफरेंट रखते हैं बिल्कुल। तो हम भैया कूल खाने वाले हैं आज, गरम वाला कुछ नहीं खाने वाले। तो चलते हैं कूल वाले काउंटर पे, वहीं आपको पहले दिखाते हैं खीर, फिर लेते हैं ट्राई करते हैं टेस्ट शेयर करते हैं। और उसका प्राइस क्या है? 50 rupees पर कंटेनर है, 250 ml रहते हैं। तो मेन्यू कार्ड हम आपके साथ शेयर करेंगे, खीर खाने चलते हैं, मिलते हैं सीधे खीर के पास। तो भाई आ चुके हैं सरदार जी अपनी मम्मी जी के हाथों से बनी हुई प्यारी प्यारी खीर खिलाने के लिए। और ये देख लो आप, ये रखा हुआ है नो प्लास्टिक, खाने में कोई प्लास्टिक का यूज नहीं, वुडन का रहेगा। अभी जब तैयार तब तक ये भी रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा कागज में जो हम इसको चेंज कर पे। समझ गए। इसमें कितनी है? ये पूरा 250 ml रहता है। 250 ml। तो चलो भैया कंटेनर जरा ओपन कराते हैं, इस पे टेबल यूज करते ना। हां जी। तो चलो भाई अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। कबीरा वाह, जो हमारी खीर है हाँ। ये बासमती राइस की खीर है, ओ और भाई। कुछ भी नहीं पड़ा, सिर्फ दूध पकाया गया जब तक दूध अपनी क्वांटिटी का हाफ नहीं। क्या बात है, प्योर दूध की खीर है, कोई दूसरी चीज में नहीं पड़ी। ड्राई फ्रूट देख रहे हो, ड्राई फ्रूट्स हैं और राइस बासमती वाले हैं और दूध भी है, मतलब दिख नहीं रहा कि दूध है इसमें क्योंकि पूरा दूध पकाया जा चुका है। तो भाई असली खीर है हाँ। लोग करते क्या है, लस्सी ऐसी खीर बना के देती, भैया खीर वो नहीं होती, खीर यही होती है, दूध गायब हो जाए। दिस इज कॉल्ड पंजाबी ड्राई फ्रूट, पंजाब की ड्राई फ्रूट्स वाली खीर खाने जा रहे हैं। तो भाई चलो आ चुकी है अपनी ड्राई फ्रूट्स वाली खीर, ट्राई करते हैं फिर टेस्ट शेयर करते हैं।
Really awesome, awesome से ज्यादा क्या बोल रहे हैं भाई। ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं और खीर में पानी वाली चीज नहीं मिल रही है, सबसे बेस्ट चीज भाई है। आपने बहुत जगह ट्राई करी होगी तो आपको दूध थोड़ा बहुत मिल जाता होगा, लेकिन इसमें जितना भी दूध है वो पका दिया गया, सिर्फ राइस के साथ खाने के लिए बचा हुआ आपके पास। जैसे दाल चावल खाते हैं ना, बहुत ज्यादा दाल डाल लेते हैं, वो वाला सीन नहीं चल रहा यहाँ। तो भाई चलो, खीर वाकई बहुत ही टेस्टी है और राइस भी काफी अच्छे से पकाए जा चुके हैं कि दाने वगैरह कच्चे ना लगे, तो खीर खाने का मजा तभी आता है। और आप मेरी तरफ से अपनी मम्मी जी को एक बार थैंक यू बोलिएगा, बहुत ही मस्त खीर है रियली। तो भाई औसम खीर मजा आ गई खाकर, इतनी डिलीशियस है कि खाने के बाद आप भी समझ जाओगे, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो आके ट्राई कर सकते हैं। तो फाइनली फिनिश करते हैं अपनी हम लोग बासमती की राइस वाली खीर। तो भाई फाइनली फिनिश, एक तरह से बोले दूध वाली खीर नहीं, मेवे वाली खीर थी और खोए वाली खीर थी, दोनों चीज। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत तगड़े पड़े हुए थे, और इसके बाद इसमें आपको ये वाली फीलिंग नहीं आएगी कि आप दूध वाली खीर खा रहे हो। सबसे बेस्ट चीज़ तो ये लगी इसमें, आपको लगेगा कि भाई हाँ खोए वाली खीर खा रहे हो, क्योंकि उस पर कहीं से भी मिल्क आपको दिखेगा नहीं है भाई, पूरा मिल्क पकाया जा चुका था और पूरा गायब हो चुका था। तो भाई आप भी आओ ट्राई करो, पहली बार हम लोगों ने खाया, और भाई डिस्टेंस बहुत तगड़ी है, देख लो वो वाला काउंटर बहुत दूर है और ये वाला काउंटर बीच में, एक ये काउंटर दे दिया भाई, टेबल रख दी गई है ताकि गायब हो जाए, और ये रखी हुई तो बहुत दूर है। तो फाइनली अब अपना यहीं से अपना वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल बनाया था तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट ब्लॉग में।